नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज वीकेंड है, सो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के सेटअप भी देखेंगे कि सेटअप बुलिश है, बेरिश है या न्यूट्रल है। और साथ साथ ब्रेथ एनालिसिस प्लस ऑल एसेट क्लास का भी चार्ट देखेंगे। और आज जो है दो तीन स्टॉक अपार्ट फ्रॉम निफ्टी 50, ये भी हम डिस्कस करने वाले, बिकॉज एक फीडबैक आया था कि सर फ्राइडे को आप निफ्टी 50 तो कवर कर देते हो, थोड़ा दो तीन और स्टॉक भी अगर आप कर देते निफ्टी 50 से यानी हटके, आप निफ्टी 500 स्मॉल कैप मिड कैप, तो जरूर हम ट्राई करेंगे कि फ्राइडे को ये भी कवर करें। हाँ, वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसमें, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना हम कोशिश करेंगे इतने शॉर्ट में कवर करने का सब कुछ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी 234 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 422 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। सो ये लास्ट, अगर आपको याद होगा, लास्ट दो वीडियो से हम कंटिन्यूअस बोलते आ रहे हैं कि ये जो प्राइस एक्शन भले ही ऊपर जा रहा है लेकिन ब्रेथ सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो ये इंडिकेशन है कि पॉसिबिलिटी है कि प्राइस या टाइम करेक्शन आ सकता है। और यहाँ पे प्राइस करेक्शन दिखा। प्राइस करेक्शन क्यों दिखा? बिकॉज यहाँ पे कॉलम ऑफ एक्स जो दिख रहा है, कॉलम ऑफ एक्स टर्न इंटू कॉलम ऑफ ओ, यानी प्राइस जो अब कॉलम ऑफ एक्स क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस इज गोइंग अप, यानी अप मूव बोल सकते हो कि ये अप मूव है। जैसे ही अप मूव चेंज होता है डाउन मूव में, सो ये कॉलम ऑफ एक्स टर्न हो जाता है कॉलम ऑफ ओ में, बिकॉज पीएनएफ में एक्स प्लॉट होगा या ओ प्लॉट होगा। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो एक्स, प्राइस नीचे आएगा तो ओ। तो यहां पर यह कॉलम ऑफ ओ में इंडिकेट कर रहा है कि डाउन मूव में हुआ है। अब यहां अगर एक सपोर्ट लाइन अगर आप देखो इस पे, जब हमने प्लॉट किया प्रीवियस, अभी क्यों यहां से, बिकॉज ये प्रीवियस टॉप था और वहां से प्राइस एक रिट्रेस हुआ जो कि यहां मिनी बॉटम फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद प्राइस फिर से प्रीवियस टॉप को ब्रेक किया, तो सिग्निफिकेंट आप टॉप बोल सकते हो। यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किए तो शॉर्ट ऑफ 22,500 के नजदीक एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि ऐसा नहीं किया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप बोल सकते हो, मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी, अगर बुल्स कैसे भी अगर इसको इसके नीचे प्राइस को नहीं जाने देता है और इस लेवल को सेव कर लेता है, तो पॉसिबिलिटी है एक फिर से यहां पुलबैक मिल सकता है। बट अगर इसको 22,490 को ब्रीच कर जाता है, यानी क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक इस जोन में आए जहां पे अब यानी मूविंग एवरेज के नजदीक थोड़ा कॉलम ऑफ एक्स, कॉलम ऑफ ओ और ये सब कंसोलिडेशन चालू हो सकता है। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है ईओडी में निफ्टी 50 का, और अपसाइड काउंट जो कि हमने बोला 22,742 ये अचीव हो गया है, तो 23,000 का अभी भी काउंट ओपन है। अब देखते हैं निफ्टी बैंक का, और निफ्टी बैंक में 0.15% का अगर आप चार्ट प्लॉट करो तो यहां पे भी सेम कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ, बिकॉज डिस्पैरिटी यहां पे भी था और ब्रेथ भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, ब्रेथ भी निगेटिव डाइवर्जेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही इंडिकेशन दिया था। अब यहां अगर, और हमेशा हम बोलते आ रहे थे कि करंट सिनेरियो में क्या रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, दोस्तों नहीं था रिस्क रिवार्ड। अब ये कॉलम ऑफ ओ यानी रिट्रेसमेंट जो हुआ, ये नेक्स्ट ब्रेकआउट, नेक्स्ट जो ब्रेकआउट लेवल होगा यानी डबल टॉप बाई जो लेवल है 48,991 यानी 49,000 के ऊपर, यहां पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी, अब यहां कॉलम कंसोलिडेशन भी हो सकता है बिकॉज डिस्पैरिटी अभी भी आई है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा कॉलम कंसोलिडेशन हो सकता है, किसी दिन 100 पॉइंट और नीचे, फिर 100-200 पॉइंट और ऊपर, तो थोड़ा कॉलम कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हो सकता है। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है। अब फटाफट देखते हैं इंट्राडे लेवल, और यहां पे निफ्टी 50 का यस, ये एक टीओआई चार्ट जो हमने प्लॉट करके रखा है फ्राइडे को,
क्लियर इंडिकेशन था कि फर्स्ट एक डाउनसाइड, हाँ ये एक जरूर इंडिकेशन या कि अब आप शॉर्ट हो तो एटलीस्ट एग्जिट हो जाओ, लेकिन लॉन्ग नहीं हो। क्यों? बिकॉज अपर बैंड को ब्रेक नहीं किया, और अपर बैंड को मॉर्निंग से ही ब्रेक नहीं किया था, कंटिन्यूअस डाउनसाइड ही रहा। मतलब ओवरऑल क्या था, क्लियर इंडिकेशन था कि फ्राइडे को नीचे ही जाने वाला है। अब निफ्टी 50 का इंट्राडे की बात करते हैं, तो यहाँ पे चार्ट सेटअप जरूर बेरिश हो गया है, और 22,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। 22,600 के नीचे सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी, 500 और उसके नीचे अगर गया तो और आपको 300 तक जा सकता है। तो ये मंडे के लिए लेवल रहा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेटअप जरूर बेरिश हो गया है इंट्राडे के हिसाब से। 49,000 के ऊपर पॉसिबल अगर सस्टेन हुआ तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। 48,650 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। सस्टेनेंस का मतलब एटलीस्ट 5 मिनट इस लेवल के ऊपर प्राइस टिकना चाहिए। अब फिर निफ्टी की बात करते हैं, 21,775 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 21,550 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। सेंसेक्स का, और सेंसेक्स में भी चार्ट सेटअप बेरिश हुआ है, और 75,000 के ऊपर ही अगर जाता है तो ही आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है। 74,200 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर इस बीच में रहता है, यानी रहता है मतलब 74,200 के नीचे भी नहीं जाता है और 75,000 के ऊपर भी नहीं जाता है तो पॉसिबल एक रेंज बाउंड रहेगा, और वहां पे आप बाय एट सपोर्ट यानी और फिर से सेल ऑन रेजिस्टेंस, ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। अब गोल्ड की बारी, और गोल्ड जो है अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश ही है, और एक अच्छा खासा तेजी हुआ है। 72,900 के ऊपर पॉसिबल है, सस्टेन हुआ तो पॉसिबल एक फिर से आपको अपसाइड मूवमेंट आपको दिख सकता है, और अगर 72,000 के नीचे सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं, और सिल्वर में भी अभी यस थोड़ा साइडवेज जरूर हुआ है यानी, बट 84,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और 84,000 के नीचे सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बारी ऑल एसेट क्लास की, और यहाँ पे जैसा हमने थर्सडे को ही इंडिकेट किया था कि पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे यूएसडी INR और GS कंपोजिट ये एक कॉलम ऑफ एक्स में आए और निफ्टी 50 कॉलम ऑफ ओ में आए, और ठीक वैसे ही हुआ जैसा एक्सपेक्टेशन था। बट इससे ऐसा नहीं कि यहाँ की गोल्ड और यूएसडी INR और बॉन्ड आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, नहीं, ये इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रिट्रेसमेंट। अभी भी अगर ये यहाँ डबल बॉटम सेल मिलता है, मतलब डबल बॉटम सेल मतलब नेक्स्ट बेरिश स्विंग ब्रेकआउट होता है, स्विंग ब्रेकआउट, तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी 50 अभी भी आउट परफॉर्म करे। बट ओवरऑल इक्विटी के लिए अभी ओके दिख रहा है, गोल्ड अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को, जो कि बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। अगर यस यहां पे एक रेजिस्टेंस अगर इसको कंटिन्यू अगर ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बड़ा मूव फिर से गोल्ड में आपको दिख सकता है। अगर यहाँ पे ऑल इंडेक्स का भी हम देख लेते हैं कि कौन सा, यस निफ्टी मिड स्मॉल और स्मॉल कैप ये आउट परफॉर्म किया है फ्राइडे को, निफ्टी 500 भी आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को। सो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट जनरली आउट परफॉर्म किया है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रॉडर मार्केट जो स्मॉल कैप या मिड कैप, ये हो सकता है कि कम गिरा हो, आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये, ऐसा नहीं कि ऊपर में गया होगा, पॉसिबिलिटी है कम गिरा हो या उधर ही हो, ये एक पॉसिबिलिटी, या ऊपर भी, ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कहां पे है, तो 22,700 ये एक रेजिस्टेंस है, और 22,200 सो 22,200 और 22,700 ये मेजर रेंज है जहां निफ्टी हो सकता है कि इसी रेंज में नेक्स्ट वीक जो है मूव करे। तो 22,200 जब आएगा तो एक सपोर्ट का काम करेगा, और 22,700 एक रेजिस्टेंस का, इस रेंज को जब ब्रेक करेगा तो एक आपको फिर से फ्रेश सेल ऑफ या फ्रेश शॉर्ट कवरिंग आपको दिख सकता है। अब फटाफट देखते हैं आर जोन में गए, और यहाँ पे ब्रेथ देखना बहुत ही जरूरी है। निफ्टी 50 का हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। स्कैन किए,
यहाँ पे जो निफ्टी 50 का ब्रेक 70 है 72 है, यस बेरिश क्रॉसओवर भी हो गया, तो ये जब तक बुलिश क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक फिर से हम फ्रेश पोजिशनल बाई तो थोड़ा अवॉइड करेंगे और देखेंगे जब भी अगर इंडिकेटर, बट ओवरऑल अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है, डायरेक्शन के हिसाब से तो ठीक दिख रहा है और न्यूट्रल जोन में भी आ गया है, तो पॉसिबिलिटी है जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा इस साइड अच्छे से वर्क कर सकता है। तो अब नेक्स्ट जो आते हैं निफ्टी 50 के 50 चार्ट देखते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं एक 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 चार्ट ओपन कर लेते हैं निफ्टी 50 का, प्लस एक अगर हम आरएस का भी अगर हम चार्ट ओपन कर लें पीएनएफ आरएस निफ्टी बैंक अपॉन निफ्टी 50 और इस तरह टाइल वर्टिकल कर दिए, तो ये निफ्टी 50 का यानी स्टॉक का और ये हो गया आपका आरएस चार्ट। यहाँ पे मूविंग एवरेज हटाकर हम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देते हैं और यहाँ पे अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज भी रखे तो इट्स ओके आरएस पे। चलो तो अब यहाँ निफ्टी 50 का हमने एक ग्रुप सेलेक्ट किया और एक एक चार्ट जो है हम चेंज करेंगे, चार्ट स्विच सिंगल से कर देते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पे चार्ट सेटअप क्या दिख रहा है, क्लियर एक रेजिस्टेंस ले रहा है और अभी यस यहाँ पे भी हम मूविंग एवरेज ऐड कर दे रहे हैं बिकॉज जिसको मूविंग एवरेज देखना है वो भी देख सकते हैं। हाँ तो चार्ट सेटअप जो क्लियर दिख रहा है कि न्यूट्रल है, बट अगर ब्रेकआउट जो होता है यानी जो लेवल है पॉसिबिलिटी है 3335 के ऊपर अगर सस्टेन होता है क्लोज होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी, बट ओवरऑल सेटअप न्यूट्रल है। अदानी पोर्ट्स सेटअप बुलिश है अभी भी, बट यहाँ जो आरएस जो चार्ट है अभी दोनों ही बुलिश है। अपोलो हॉस्पिटल सेटअप न्यूट्रल है, बट ओवरऑल जो मुझे चार्ट जो दिख रहा है ये एक इंटरेस्टिंग दिख रहा है और हाईपोल का, यस हाईपोल का वैल्यू एक बार हमको देख लेने दीजिए, नहीं चार्ट सॉरी चार्ट सेटअप जो है अभी भी बुलिश ही है, न्यूट्रल नहीं हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल एशियन पेंट्स सेटअप बेरिश है, आरएस चार्ट पे भी बेरिश दिख रहा है। एक्सिस बैंक सेटअप बुलिश है और यहाँ पे जो सेटअप है न्यूट्रल है आरएस चार्ट पे। बजाज ऑटो का सेटअप न्यूट्रल है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, सो कहीं पे भी सपोर्ट लेकर अगर नेक्स्ट ब्रेकआउट विल बी एन इंटरेस्टिंग, आरएस पे अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। बजाज फिनसर्व सेटअप बुलिश, इसमें कोई डाउट नहीं और पॉसिबिलिटी है, बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। बजाज फाइनेंस सेटअप बुलिश है बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। भारतीय एयरटेल सेटअप बुलिश है और पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 1189 पैटर्न फेलियर लेवल है। बीपीसीएल सेटअप बुलिश है, सॉरी सेटअप न्यूट्रल है और तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बुलिश या बेरिश होने देते हैं। ब्रिटानिया सेटअप बेरिश है बट रिस्क रिवार्ड उतना फेवरेबल नहीं दिख रहा है मुझे। सिप्ला सेटअप बेरिश जरूर है लेकिन रिस्क रिवार्ड यहां पे भी फेवरेबल नहीं है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। कोल इंडिया बहुत ही बढ़िया चार्ट मुझे दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है एक और सेटअप, सबसे पहले सेटअप की बात करते हैं, सेटअप बुलिश है, यहाँ पे कोई भी रिस्क रिवार्ड अगर आपको लेना है तो जरूर 439 पैटर्न फेलियर लेवल है, ये एक देख सकते हैं कैंडिडेट। देविज लैब सेटअप बुलिश है, नेक्स्ट फॉलो थ्रू, यहाँ पे डिस्पैरिटी जरूर थोड़ा हाई है तो नेक्स्ट डबल टॉप बाई विल बी एन इंटरेस्टिंग, प्लस आरएस चार्ट भी ठीक दिख रहा है बिकॉज सेटअप बुलिश यहाँ पे हुआ है। डॉक्टर रेडी नेक्स्ट फॉलो थ्रू पे ही आप ध्यान दीजिए, सेटअप अभी भी बेरिश ही है। आइसर मोटर सेटअप बुलिश है बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। और जब आइसर मोटर के अगर आपको याद होगा जब हमने बात किया था इस पॉइंट पे कि हाँ कि अब ये निकल रहा है, पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड की रैली यहाँ पे दिख सकता है और यहाँ से कॉलम पे भी लगाया था जो कि 42,000 का ये काउंट अचीव हो गया,
अभी भी बुलिश है बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। ग्रासिम का सेटअप अभी भी बुलिश ही है बट नेक्स्ट डबल टॉप बाय विल बी एन इंटरेस्टिंग। HCL टेक सेटअप बेरिश है और यहाँ पैटर्न जो फेलियर लेवल है अबव डबल टॉप बाई का वैल्यू जो है 1545 है बट रिजल्ट है यहाँ पे, रिजल्ट सीजन चालू हो गया है तो इसलिए आपको आईटी सेक्टर का रिजल्ट सबसे पहले आता है, TCS इंफोसिस, तो इस पे आप ध्यान रखिए कैसा ये लोग रिजल्ट दे रहे हैं उस हिसाब से ये रिएक्ट करेगा। बट सेटअप की बात करें टेक्निकली तो जरूर मुझे वीक दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। HDFC बैंक सेटअप अभी भी बुलिश है बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। HDFC लाइफ सेटअप न्यूट्रल है सो अवॉइड कीजिए। हीरो मोटो को सेटअप बेरिश है। RSP भी अंडर परफॉर्म कर रहा है सो रिस्क रिवार्ड यहाँ फेवरेबल दिख रहा है जरूर। और 4600 जो है वो पैटर्न फेलियर लेवल है तो इस पर आप नजर रखें। हिंडालको सेटअप बुलिश है, नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी एन इंटरेस्टिंग बिकॉज निफ्टी मेटल आउट परफॉर्म कर रहा है और वेदांता हुआ, हिंडालको, टाटा स्टील, ये जो स्टॉक है इस पर आप नजर रख सकते हैं जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। इवन हिंद कॉपर हुआ, ये जो नेशनल एल्यूमिनियम, ये जो स्टॉक है जो कि मेटल सेक्टर में आप देख सकते हैं। HUL सेटअप बेरिश है और यहाँ जो पैटर्न फेलियर लेवल जो दिख रहा है 22,000 2340 दिख रहा है और RS पे क्लियर अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। ICICI बैंक सेटअप बुलिश है तो पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1075। इंडसइंड बैंक सेटअप अभी भी बुलिस है, नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी एन इंटरेस्टिंग, जो फॉलो थ्रू यानी डबल टॉप बाई जो है उसका लेवल है 1570 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल एक बुलिस अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है। इंफोसिस सेटअप अभी करंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेटअप यस हाईपोल नहीं है सो इसलिए सेटअप बेरिसी है अभी भी। अगर 45 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक आपको फिर से सेल ऑफ दिख सकता है। ITC सेटअप बुलिश है और नेक्स्ट डबल टॉप बाय विल बी एन इंटरेस्टिंग। JSW स्टील सेटअप बुलिश है। कोटेक बैंक सेटअप बुलिश है बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है सो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। LNT सेटअप न्यूट्रल है सो वेट फॉर द नेक्स्ट डबल टॉप बाय फॉर बुलिशनेस यानी सेटअप टर्न होने दो तभी आप उधर देख सकते हो। LTIM सेटअप बेरिश है और यहाँ पे यस RS भी यानी ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट है यहाँ पे भी क्लियर अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है पहले से। महिंद्रा सेटअप बुलिश है बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है सो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू यानी नेक्स्ट डबल टॉप बाय। मारुति में यहाँ सेटअप न्यूट्रल है और एक सेल ऑफ दिखा है उसके बाद इतने बड़े तेजी के बाद बट मूविंग एवरेज के नज़दीक अगर सपोर्ट लेता है तो और उसके बाद फिर डबल बॉटम सेल आएगा तो ही सेटअप बेरिश होगा तो अभी न्यूट्रल है तो अवॉइड कीजिए। नेस्ले इंडिया सेटअप न्यूट्रल है, इनफैक्ट बेरिश है सेटअप सो इस पर आप नज़र रखिए लेकिन कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ खास नहीं कर रहा है सो उससे बढ़िया यानी NTPC यहाँ सेटअप बुलिश है और ये पॉसिबिलिटी है एक सेल बाई डबल ब्रॉडनिंग सो नेक्स्ट फॉलो थ्रू NTPC पर नजर रखें। जैसे कोल इंडिया हुआ जहाँ पे हमने बात किया, मेटल हुआ, उसके बाद NTPC, ये पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट फॉलो थ्रू में एक अच्छा खासा आपको तेजी दिख सकता है। ONGC सेटअप न्यूट्रल है तो अवॉइड कीजिए। पावर ग्रिड यहाँ पे भी सेटअप न्यूट्रल है। रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ सेटअप जरूर न्यूट्रल है बट बुलिश कब हो जाएगा अगर 2967 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये आपका सेटअप बुलिश हो जाएगा और 2920 के नीचे क्लोज हो जाए तो सेटअप बेरिश है। तो 2970 और 2920 के नीचे पे आप ध्यान रखिए बट RS में तो अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया है बिकॉज यहाँ जो दिख रहा है मुझे अंडर परफॉर्मेंस बट प्राइस अभी भी नई इंडिकेशन है तो ब्रेकआउट होने के बाद ही ये कुछ भी देखना चाहिए। SBI लाइफ सेटअप जो है यहाँ पे बुलिश है और
अनदर SBIN, यहां पे भी सेटअप जो है बुलिश दिख रहा है. नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी इंटरेस्टिंग. सो 780 के ऊपर इस पे आप नजर रखिए. श्रीराम फाइनेंस सेटअप न्यूट्रल है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू. सन फार्मा सेटअप बेरिश है बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू. टाटा कंज्यूमर जो है आपका सेटअप प्राइस चार्ट पे सेटअप न्यूट्रल है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए. टाटा मोटर सेटअप बुलिश है, RSB आउट परफॉर्मर है और नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी एन इंटरेस्टिंग. टाटा स्टील आपका सेटअप जो है यस बुलिश ही है, यस सेटअप बुलिश ही है, बट टाटा स्टील में एक मुझे दिख रहा है थोड़ा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल बिकॉज डिस्पैरिटी हाई है, तो पॉसिबिलिटी है एक कॉलम कंसोलिडेशन हो सकता है, बट RS चार्ट पे आउट परफॉर्मर है. TCS का जो चार्ट सेटअप जो है अभी भी यस न्यूट्रल है, तो बुलिश जो होगा अगर 4015 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी. टेक महिंद्रा सेटअप बेरिश है, सो टाइटन यहां पे सेटअप जो है बेरिश है, बट वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू. अल्ट्राटेक सीमेंट सेटअप न्यूट्रल है बट अंडर परफॉर्मेंस RS पे क्लियर दिख रहा है. विप्रो जो कि ये चार्ट सेटअप मुझे बेरिश दिख रहा है और अगर प्राइस जो है इसके नीचे जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक डाउनसाइड मूव. अब विप्रो का चार्ट अगर हम देखें तो ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर हम ऑटो 4500 रिमूव कर देते हैं और ये एक यहाँ से मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एंकर पॉइंट हम लेते हैं और इस मूव से लेकर और अभी तक यस तो ये जो है एंकर पॉइंट पे खड़ा है. अगर इसके नीचे अगर जाता है और 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल फिर से एक सेल ऑफ इसमें दिख सकता है और नेक्स्ट 400 तक का पॉसिबिलिटी है, बट इसके नीचे क्लोज होना चाहिए मंडे को. तो विप्रो पर नजर रखिए और पैटर्न फेलियर लेवल अबव 490 है. जब तक 490 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक इवन जो सेटअप तो बेरिश तो दिख रहा है और वीक दिख रहा है यहाँ पे. तो इस प्रकार ये जो 50 स्टॉक है उस पर हम बात कर लिए, जिसमें सेटअप बुलिश है, उसमें बुलिश अपॉर्चुनिटी बेरिश है, बेरिश अपॉर्चुनिटी और न्यूट्रल है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए. अब दोस्तों जैसा हमने बोला था कि 2-3 स्टॉक थे जो इसमें विप्रो जो है सेल साइड एक दिख रहा है लेकिन 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, तो ये जो लेवल है अगर सस्टेन होता है यानी 468-465 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको एक सेल ऑफ दिख सकता है. अनदर स्टॉक जो कोल इंडिया भी ने डिस्कस किया था NTPC में, अभी यहां पे कमिंस इंडिया जो है ये एक बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे चार्ट. पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड आपको मूव मिले बिकॉज आज जो है आउट परफॉर्मर है, वन ऑफ आउट परफॉर्मर, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 2930, तो इस पे आप नजर रख सकते हैं कमिंस इंडिया पे. अनदर स्टॉक BSE अगर स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहां 0.25% में कॉलम कंसोलिडेशन है, 1% पे नेक्स्ट डबल टॉप बाय यानी 2900 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अच्छा खासा एक इसमें मूवमेंट आ सकता है. पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 2700, तो इस पे ये दोनों भी स्टॉक पे नजर रखिए. इवन CDSL हुआ, कैम्स हुआ, ये सब जो स्टॉक है यहाँ पे आप नजर रख सकते हैं. सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. शेयर हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर आपको बेनिफिट हो रहा है वीडियो से तो आपके दोस्तों को भी बेनिफिट होना चाहिए, आपके रिलेटिव को बेनिफिट होना चाहिए. तो जितना हो सकता है अगर आप अपने व्हाट्सअप आपका ग्रुप होगा उसमें वहां पर फॉरवर्ड कीजिए ताकि जितने लोग मैक्सिमम देखेंगे उसको उनको बेनिफिट होगा. और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. क्यों सब्सक्राइब करना जरूरी है? बिकॉज अगर जब सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है और बेल पे जरूर आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और आप देख सकें इमीडिएट. सो मंडे को फिर मिलते हैं. थैंक यू सो मच.